नमस्कार दोस्तों, उत्तम इंग्लिश स्पोकन ऐप पर स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंग्लिश में टाइम बताने के आसान ट्रिक। अगर दोस्तों आप इंग्लिश में टाइम बताने नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको घड़ी देखने इंग्लिश में आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपका समय का ज्यादा लेते हुए चलते हैं बोर्ड में और एक एक करके सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों घड़ी को सीखने स्टार्ट करते हैं। एक बज रहे हैं तो 1 o'clock या इट इज 1 o'clock। दोस्तों यहाँ पे अगर 2 बज रहे हैं तो इट इज 2 o'clock, बहुत सिंपल। अगर 4 बज रहे हैं तो इट इज 4 o'clock, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2 नहीं बज रहे हैं तो इट इज नॉट 2 o'clock। अगर 4 नहीं बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट 4 o'clock। अगर 10 नहीं बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट 10 o'clock। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, 5:26। यहाँ पे दोस्तों जितना भी बजकर हम लोग बात करते हैं, 5:26, इस तरह का टाइम को कैसे बोलेंगे देखते हैं। 5:26 तो बोलेंगे 26:05, यानी कि दोस्तों जो मिनट पार हो जाते हैं पहले हम उसको लिखते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 26:05। अगर दोस्तों 4:03 हो रहे हैं तो 3:04 बोलेंगे, यानी कि जो मिनट पार हो जाते हैं पहले हम उसको बोलेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और डिटेल में समझते हैं, 2:10, 10:02। आपको बताया ना कि जब कोई मिनट पार हो जाते हैं तो हम पहले मिनट को लिखेंगे दोस्तों, 2:10, 10:02। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं और आपको अच्छा से क्लियर होंगे दोस्तों, 5:28, यानी कि 28 जो है दोस्तों वो पार हो गए हैं, इसलिए हम बोलेंगे 28:05। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 3:05, यानी कि 3:05 बाकी है दोस्तों। जब बाकी रहते हैं ना, 3:05, 2:05, 10:05 जब बाकी रहते हैं उसको किस तरह से बोलेंगे, तो चलिए देखते हैं। 3:05 तो बोलेंगे 5:03, यानी दोस्तों जितना भी मिनट बाकी रहेंगे उस मिनट को पहले बोलेंगे, यानी कि 3:05 बाकी है तो 5:03, अगर 10 बाकी है तो 10:03। तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1:05, जब 1:05 रहेंगे तो फास्ट का यूज करेंगे, आपको दिखाए भी, और 1:15 तो 2 का यूज करेंगे। और एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं, 8:12 तो 12:08, 8:12 यानी कि 12 बाकी है दोस्तों, तो बोलेंगे 12:08, 8:12 बाकी है, तो दोस्तों बाकी है पहले उसको लिखेंगे, यानी 12 कितना मिनट बाकी है, 12 बाकी है, तो 12:08। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 7:48, यानी कि 7:48। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 3:40, 3:40। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 5:15, पहले इसको समझते हैं, तो 15:05, जो पास्ट हो गया है कुछ पहले भी समझाए, जो 15 पार हो गया है तो उसको हम पहले लिखेंगे, यानी कि 15:05, या बोल सकते हैं 4:05। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि 15:05 या 4:05, क्वार्टर दोस्तों यहाँ क्यों लगाए, क्योंकि आप 15 को भी क्वार्टर बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2:30, तो बोल सकते हैं 30:02 या बोल सकते हैं 2:30। 30 को आप हाफ भी बोल सकते हो, है ना, 2:30। नेक्स्ट देखते हैं, 2:55, तो बोल सकते हैं 55:52। 2:55 को बोल सकते हैं दोस्तों 55:52। नेक्स्ट देखते हैं, 4:20, यानी कि 20 बाकी है, और जब दोस्तों कोई टाइम में बाकी रहते हैं तो 2 का यूज करते हैं, 20:04। नेक्स्ट देखते हैं, 3:30, यानी कि 30 बाकी है तो 30:03 बोलेंगे, 30:03 या तो 2:30 भी बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, 12:00 तो 12 o'clock या इट इज 12 o'clock। नेक्स्ट यहाँ समझिए दोस्तों, 2:45, 45:02 या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए, 2:45 तो बोलेंगे 45:02। इसको दोस्तों हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि 3:15, यानी कि 15 बाकी है, और आपको दोस्तों बताया कि जब बाकी रहता है तो 2 का यूज करते हैं, तो 15:03 या तो बोल सकते हैं 2:45। आपको दोस्तों हम ये भी समझा है कि 15 को क्वार्टर भी बोलते हैं, इसलिए 2:45 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 7:20 तो 20:07। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपका टाइम बहुत अच्छा से क्लियर हो गया है। अगर आप किसी से टाइम पूछना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, सकते हो व्हाट इज द टाइम राइट नाउ।
तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और घंटी का बेल आइकन दबा दीजिए जिसमें हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।